क्या सर, क्या बुड्ढों की तरह गाड़ी चला रहे हैं? थोड़ा जवानी की स्पीड से चलाइए ना। नहीं मैडम, स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं स्कूटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा हूँ। घंटा? मेरा मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएंगे तो हम 5 मिनट में स्कूल पहुँच जाएंगे। नो मैडम, सड़क खराब है, स्कूटर तेज चलाने से अगर झटका लगा और आप गिर गई तो? हाँ, चाहे कितने भी गड्ढे हो हम नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको कस के पकड़ लेंगे। आस्था मैडम, आर यू ओके? सर, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? सर, आज आप फिर से आलू की सब्जी लाएं? आज फिर से आपकी बस मिस हो गई ना? मैं रोज रोज आलू की सब्जी क्यों लाऊंगा, वो तो कल की बची थी, ले आया। क्यों? दीदी फिर से लड़के मायके चली गई है क्या? अच्छा हुआ, मेरा मतलब है अच्छा नहीं हुआ। सर, दीदी के बिना घर बहुत सूना सूना लगता होगा, बहुत अकेलापन लगता होगा। सर, जब तक दीदी नहीं आ जाती मैं आ जाऊं, मतलब खाना बनाने, दरवाजा खुला रख के खाना बना दूंगी, फिर मोहल्ले वाले गलत भी नहीं समझेंगे। मोहल्ले वाले गलत ही समझेंगे, अगर वो इतने समझदार होते तो स्कूल में मास्टर नहीं होते। ऐसा नहीं है सर, आजकल बहुत सारे बुद्धू स्कूल में मास्टर बन के आ जाते हैं। आस्था मैडम जी, अपने बारे में इतना बुरा मत सोचिए, आप भी बड़ी समझदार है, चले। हाँ। अरे यार, यार कौन है सुबह सुबह? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। सुमेर है? सुमेर? सुमेर पुनिया। ओ जी, मैं हूँ भाई, बोलो क्या बात है? अरे ये क्या गुंडा कर दी सर? साले, चल क्रेडिट कार्ड तो ऐसे उठा लेते हो जैसे भंडारे का प्रसाद हो, किश्ते रुपए देने में जान जावे तुम्हारी है? कार्ड तो बड़ी फटाफट उठा लिया तूने, मेरा फोन नहीं उठाता तू। भाई जी फोन खराब पड़ा सर, पहला बस दिता ही ना उठा पता। ओ अच्छा, कदी कदी बच भी जावे। साला रिकवरी वाले से झूठ बोल रहा। बंद कर फोन, फोन बंद कर, बंद कर। पैसे निकाल। भाई जी पैसे तो ना है। तेरी भाई चेक दे दूं चलूंगा। रे साले भाई कोई शतरंज खेल रहा है जो तू चेक देगा? भाई डोंट स्पोर्ट्स ऑन ड्यूटी। हाँ जी देख बे, तेरा चेक है ना रबड़ का होता है, बैंक में डालते ही बाउंस हो जाता है। तू नगद निकाल, नगद निकाल। पर भाई जी हमारी बात तो, तेरी इंस्टॉलमेंट भर दूं, बोला ना फोन बंद कर। साला बाद में फोन करी। देख बे जब मैं बात करूँ ना सारे फोन साइलेंट पे होने चाहिए, समझे? किसी का भी फोन बजाना तो उठाने की नहीं होती, समझे? अरे बोल बे बिक क्या हो रहा है? अर्जुन कहाँ है तू? अरे रिकवरी करने आया था, बजा रहा किसी के कान के नीचे। ठीक है, तू वहाँ लोगों के कान पे बजाते रही हो और इधर मेरी शादी की शहनाई बजाएगी, फिर बेबी की जगह भाभी बुलाना मुझे, तू तो आ जाने वाला था ना। अरे भड़क क्यों रही है, तेरे गांव का फाटक 10 मिनट में पार कर लिया मैंने, बस आ लिया मैं। सच्ची मुच्ची आई लव यू। भाभी जी दांत के काट रहा बे, पैसे काट। बच्चों आज का विषय है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जागरूक ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देख मास्टर जी अब भूल जाएंगे। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, एक मिनट। हाँ बोल रहा था ना भूल जाएंगे। हाँ जापान सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। देख मास्टर जी बार बार भूल जाते। क्या हो रहा है वहाँ पर? जापान कहाँ है? नहीं पता मास्टर जी। बेंच पे खड़ा हो। अभी भी नहीं दिख रहा मास्टर जी। चल बोल कब फिर दिख जाएगा। भेड़ का फूफा तू, इधर आ। सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देगा।
चल बैठ यहाँ। तो बच्चों, यहाँ मैंने ज्वालामुखी की कुछ खासियतें लिखी हैं। आप इसे जोर जोर से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। विजय, बैठ, छोड़ से मैं माफ नहीं करूंगा। ये बहुत खतरनाक होते हैं। सूरजमुखी, ज्वालामुखी।